का ढोकला बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इसके लिए मुझे एक कटोरी सूजी या रवा, एक कटोरी दही जिसे मैंने विस्क कर लिया है, 4 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, नारियल ग्रेट किया हुआ, एक पैकेट इनो, हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच नमक चाहिए। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें सूजी डाल देंगे और दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है। हम जितने अच्छे से विस्क करेंगे उतना ही स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनेगा। सूजी और दही के मिक्सचर को हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अदरक को ग्रेट कर देंगे। और नमक डाल देंगे। फिर से हम एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इस मिक्सर को 10 मिनट के लिए साइड पर रख के ढक देंगे। हम एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर हम बैटर लेंगे, इसे एक बार फिर अच्छे से हिला देंगे। फिर हम इनो या फ्रूट सॉल्ट का पाउच इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इनो डाल के हमें इसे ज्यादा देर तक विस्क नहीं करना, बस हल्का सा ही हिलाना है। अब हम ग्रीस किया हुआ बोल लेंगे, इसमें ये बैटर डाल देंगे। और इसे 5 मिनट तक माइक्रोवेव में लगा देंगे। 5 मिनट बाद हम माइक्रोवेव से ढोकला निकाल लेंगे और एक बार टूथपिक लगा के देख लेंगे। ये देखिए, इससे नहीं चिपकता, इसका मतलब हमारा ढोकला पक गया है। अब हम इसमें प्लेट में निकाल के इसके पीसेस कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल के गरम करेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें सरसों डाल देंगे। फिर जीरा डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। इनको हम तेल में हल्का सा चला लेंगे। तड़के को हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। ये हमारा रवा ढोकला तैयार है।